दोस्तों दुनिया भर में फिल्मों का एक न्यू ट्रेंड बन गया है और हाल ही में इंडिया की फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड काफी फेमस की जा रही है और इसमें इंडियन साउथ इंडस्ट्रीज का तो एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि पिछले 3 से 4 वर्षों के बीच में साउथ इंडस्ट्री ने एक अलग ही प्रकार का हिट रोल दिया है जिसमें बाहुबली, KGF, KGF 2 और पुष्पा जैसी मूवीज शामिल है। तो आज हम आपको इन्हीं साउथ इंडस्ट्री के 10 सबसे ज्यादा फेमस सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने एक्शन के दम पर करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। नंबर 10 हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है रामचरण तेजा। रामचरण तेजा का जन्म 27 मार्च 1985 को तेलंगाना में हुआ था। रामचरण तेजा का असली नाम कोनिडेला रामचरण तेजा है। रामचरण तेजा एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और एकांतर प्रीमियर भी है जो तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। रामचरण तेजा भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। इनकी एक्टिंग और इनकी जबरदस्त अंदाज के दम पर पूरी दुनिया में अपना अच्छा खासा नाम बना लिया है और इन्हें 2013 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल किया गया था और इनकी सबसे सुपरहिट मूवी RRR रही है जो हाल ही में भारत की सबसे अच्छी और बेहतरीन मूवी में से एक बन गई है जिसे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हजारों स्क्रीन पर देखी गई है। नंबर 9 इसी कड़ी में नंबर 9 पर है विजय साई। इनका जन्म 9 मई 1979 को हुआ था। विजय श्री का पूरा नाम देवरकोड़ा विजय साई है जो एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है और विजय भाई मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया करते हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत 2011 में रवि बाबू की रोमांटिक कॉमेडी नोविला मूवी से की थी और योड़ो सुब्रमण्यम में उनकी सहायक भूमिका के लिए पहचान हासिल की थी। उन्होंने 2016 में रोमांटिक कॉमेडी चोपलू में मुख्य भूमिका निभाई थी और इनकी सबसे बेस्ट मूवीज जैसे वर्ल्ड फेमस लवर, डियर कॉमरेड, लीगर, नोटो और गीता गोविंदम है जो भारत तथा दुनिया भर के अन्य कई सारे देशों में काफी ज्यादा मात्रा में देखी गई थी। नंबर 8 हमारे इस लिस्ट में नंबर 8 पर है प्रभास। प्रभास का पूरा नाम उपलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू है और प्रभास भारतीय टॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है जिनके फैन भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है क्योंकि इनकी मूवी बाहुबली ने पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचा दिया था। ये मूवी सुपर डुपर हिट रही थी। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1980 को हुआ था और वे मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। प्रभास भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक है और इनको 2015 में फोर्ब्स इंडिया की 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में 3 बार शामिल किया गया था और इनकी सबसे हिट मूवी बाहुबली, बाहुबली 2, राधे श्याम और साओ है जिन्हें भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में भर भर के प्यार मिला है। नंबर 7 हमारे इस लिस्ट में नंबर 7 पर है जोसेफ विजय। जोसेफ विजय का जन्म 22 जून 1977 को हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है जो केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक डांसर भी है। उसके साथ में वह कई बार सिंगर और परोपकार का भी रोल अदा करते हैं जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं और अन्य भारतीय भाषाओं में भी इनकी फिल्में देखी जा सकती है। विजय दक्षिण भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्हें 2022 में बॉलीवुड के 10 सबसे बेस्ट अभिनेताओं में से एक माना गया है और इनकी सबसे फेमस मूवीज जैसे बीस्ट, मास्टर, बिगिन, सरकार और मर्सल है जो दुनिया भर में एक बेहतरीन तरीके से पॉपुलर हुई थी। नंबर 6 हमारे इस लिस्ट में नंबर 6 पर है जूनियर NTR। जूनियर NTR का जन्म 20 मई 1983 को हुआ था। जूनियर NTR का पूरा नाम नंदामुरी तारका रामार राव जूनियर है जिन्हें हम जूनियर NTR और तारक के नाम से जानते हैं। ये भारतीय अभिनेता सिंगर को टेलीविजन पर प्रस्तुत करता है जो तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। इन्होंने अपने 20 साल के करियर में 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है और इनकी सबसे सुपर डुपर हिट मूवी RRR रही है जो 2022 में लॉन्च की गई थी और इस मूवी ने भारतीय सिनेमा में काफ़ी सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और ये मूवी पिछले 4 से 5 सालों में आने वाली हर एक मूवी से आगे टॉप कर रही है। नंबर 5 हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है धनुष। धनुष का जन्म 28 मई 1983 को हुआ था। धनुष का पूरा नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है पर इन्हें इंडिया में लोग इन्हें धनुष के नाम से जानते हैं और ये एक इंडियन एक्टर, निर्माता, निर्देशक, आर्टिस्ट, सिंगर और डांसर भी है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं और धनुष को उनकी फिल्म की वजह से 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था और इनकी सबसे फेमस और हिट मूवी कर्णन, पट्टा, असुरन और मारी है जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में हजारों स्क्रीन पर देखी गई थी। नंबर 4 हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पर है सूर्या। सूर्या का जन्म 23 जुलाई 1995 को हुआ था। सूर्या का पूरा नाम श्रवण शिव कुमार है पर लोग उन्हें उनके मंच का नाम सूर्या से जानते हैं और ये एक भी बेस्ट साउथ इंडियन एक्टर है
और एक्टर के साथ साथ निर्माता और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता भी है तथा उन्हें तमिल सिनेमा में काम के लिए जाना जाता है। और सूर्या सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। उन्हें 2022 में साउथ इंडस्ट्री के 10 सबसे बेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। वही उनकी सबसे हिट मूवी की बात करें तो वह एत्र ककुम, यूनी धवन, जय भीम, कप्पन, एंचिके और सिंगम 3 है, जिन्हें लोगों द्वारा काफी भारी मात्रा में पसंद किया गया है और शायद इन्हीं फिल्मों के जरिए इनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है। नंबर 3, इसी लिस्ट में नंबर 3 पर है महेश बाबू। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 में हुआ था और ये भारतीय अभिनेता और एक प्रोड्यूसर है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं और महेश बाबू को टॉलीवुड का राजकुमार भी कहा जाता है। वही महेश बाबू ने हाल ही में एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी है जिसके कारण वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर रैंक कर रहे हैं। और उनकी सबसे फेमस मूवी सरकारी वारी पाटा, सरिलरु, निकेवरु, महर्षि, भारत और अने नेनु है जो काफी ज्यादा फेमस रही है। नंबर 2, हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को हुआ था। अल्लू अर्जुन को कौन नहीं जानता, ये एक भारतीय एक्टर है जो कन्नड़ सिनेमा में काम करते हैं और हाल ही में इनकी मूवी पुष्पा ने बहुत ही बड़ी उपाधि हासिल की है और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस मूवी का हर एक डायलॉग आज लोगों की जुबान पर सुनने को मिल रहा है। और इस मूवी का सबसे फेमस डायलॉग था, पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। और ये साउथ इंडिया की सबसे पहली मूवी है जिसके गानों को तकरीबन 5 बिलियन से ज्यादा बार देखा गया है और इस मूवी के बाद उनको कई सारे अवार्ड भी मिले और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। वही इनकी सबसे पहली सफल मूवी जैसे पुष्पा पार्ट 1, अल्लाह वेंकटू पुरमुलु, ना पेरु सूर्या और डीजे है जो काफी ज्यादा हिट रही है। नंबर 1, साउथ इंडस्ट्री के सबसे फेमस और किंग है यश। यश का पूरा नाम नवीन कुमार गौड़ा है जिन्हें लोग रॉकी और यश के नाम से जानते हैं और इनका जन्म 8 जनवरी 1987 को हुआ था। ये वो एक्टर है जो मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा की फिल्मों में काम किया करते हैं और वो कन्नड़ फिल्म उद्योग में सफल और सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर में से एक है। यश एक पॉपुलर सुपरस्टार है जिन्होंने बहुत ही छोटी शुरुआत की थी लेकिन आज ये इंडिया के सबसे पॉपुलर एक्टर में से एक बन गए हैं। इनकी मूवी KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ने तो इंडिया में इतिहास ही बना दिया और ये मूवी आज के दिन की सबसे सफल और ब्लॉकबस्टर साबित हुई है तथा इस मूवी ने हद से ज्यादा कमाई की। और मैं आपको बता दूं कि यश की सबसे हिट मूवी जैसे KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, संतो स्ट्रेट, फॉरवर्ड और मास्टरपीस है और इन फिल्मों में इनको काफी सारा प्यार भी मिला। तो दोस्तों ये थे साउथ इंडस्ट्री के 10 सबसे फेमस एक्टर। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस लिस्ट में रजनीकांत कहाँ गए, तो मैं आपको बता दूं कि रजनीकांत ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है और उस वजह से 2022 की लिस्ट में उन्हें शामिल नहीं किया गया है और अगर वो शामिल होते तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर होते या नंबर 2 पर होते क्योंकि उनकी सारी फिल्में हिट रही है और वह भी काफी पॉपुलर छवि है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।